एक्शन का रिएक्शन हर किसी को चाहिए होता है, हर कोई करता है। जो भी आप एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन डेफिनेटली मिलेगा। आप प्लांट्स को अगर अच्छा भोजन दे रहे हैं, अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वैसा ही रेस्पॉन्स करेंगे। और घर का बना हुआ खाना, लाइक कंपोस्ट जो घर में बनाते हैं, लीफ कंपोस्ट बनाते हैं या घर के लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, उनके रिजल्ट्स अब मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी फॉलो किए हैं उनके 100% रिजल्ट्स आए हैं। और आज का वीडियो स्पेशल मैं कुछ खास टिप दे रही हूँ, क्योंकि देखिए सावन चल रहा है और सभी शिव मंदिरों में, जितने भी शिव भक्त नहीं, नॉर्मल इंसान भी सावन में तो कोशिश करता ही है कि जाके एक बार भगवान को जाके जल अर्पित करके आए। तो मैं एक खास आपके साथ जो हमेशा शेयर करती हूँ, ऐसे सीजनल जो भी अपने फेस्टिवल्स आते हैं उनमें मैं फिर से शेयर कर रही हूँ एक चीज़ आपके साथ। देखिए शिव जी पर इन दिनों एक तो बेलपत्र चढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, भांग का पौधा चढ़ाया जाता है, आग के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है। और ये नॉर्मल डेज़ में हम गार्डनर्स हैं, अगर हम चाहें भी ना तो वो चीज़ मिल नहीं सकती है आपको। अगर आपको एक नेचुरल पेस्टिसाइड बनाना है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और आपके गार्डन में कोई पेस्ट ना आए, तो आप मेरे पे विश्वास करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान हैं वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। वो इन सारी चीज़ों को मिलाकर, लाइक धतूरा हो गया, भांग हो गया, वो पत्ते जो कि कोई जानवर नहीं खाता है, उन सारे पत्तों को मिला के डिकम्पोजर में भिगो के वो एक रस तैयार करते हैं, मतलब लिक्विड तैयार करते हैं, और उससे स्प्रे करते हैं, तो उनके प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। तो देखिए मैं सारी चीज़ें, मंदिर नेचुरल है, अपन जाते हैं तो आपको पता है मैं हर बार कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये भगवान का एक तरीके से प्रसाद होता है और ये मेरे गार्डन में बहुत अच्छी एनर्जी फ्लो करता है, उसके रिजल्ट्स आप देखते ही हैं। तो कुछ मैं फूल लेकर आई हूँ, बेलपत्र आप देख रहे होंगे, ये भांग है, ये पत्ते जो हैं ये तो देखिए मैं सारे के सारे लिक्विड एक डिकम्पोजर में भिगो के रख दूंगी, तो ये तो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा, या आप पेस्टिसाइड बोल सकते हैं। और एक आप देखेंगे, जनरली देखिए कोई ख़रीदना नहीं चाहता, तो ये एकदम आपको फ्री में मिलेंगे वहाँ पर। बेल जो ये बेलपत्र का फल होता है, बेल चढ़ाने वाले लोग आएंगे, और मंदिर के ज़्यादातर मंदिरों में तो देखिए डस्टबिन में जाता है, आपको फ्री में इतना सारा कंपोस्ट के लिए मैटर मिल जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी वाला, भगवान पे चढ़ा हुआ, और साथ के साथ इतनी, मतलब मैं गुणों की खान कहूँगी इस फल को। आपको पता है इंसान के शरीर के लिए जैसे ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, वैसे ही प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। देखिए दो बार मैं लेकर भी आई थी, लेकिन वो मैं मतलब अपने पड़ोसी के यहाँ से लेकर आई थी, लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अभी मुझे ये दो कच्चे फल मिले हैं, और कल और जाकर देखूंगी अगर एक दो और मिल जाते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इनको तोड़कर एक बकेट में भर के रख देना है पानी भर के, और सड़े गले जैसे भी मिले आपको, बस बेलपत्र चाहिए, बेल का जो है फल चाहिए, कैसा भी चलेगा। और ये इतने सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ है कि आप अपने प्लांट्स की हेल्थ देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे इसके भी। क्योंकि देखिए अभी तक मैंने जितने भी आपके साथ शेयर किए हैं वीडियोस, उन सब में मैंने नेचुरल किसी ना किसी चीज़ के बारे में बोला है, और देखिए मेरे हाथ में जादू नहीं है, मैं जो खाना खिलाती हूँ, जो एनर्जी देती हूँ, उसमें जादू है, और उसी का रिस्पॉन्ड करते हैं पौधे, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो आप ये लेकर आएंगे, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, क्योंकि देखिए मंदिरों में ये बाहर कचरे के उसमें फेंक दिया जाएगा, कुछ जगह रिसाइकल होने लगा है लेकिन कुछ जगह अभी भी नहीं होता है। तो आप अपने आसपास के शिव मंदिर में जाएंगे, आपको खूब सारे ये पत्ते मिल जाएंगे, खूब सारे फूल मिल जाएंगे, और आपको बेल के फल भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाइएगा। मैं अभी नहीं बना रही हूँ इसको, क्योंकि मैं अभी, मेरा दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी है, वो मैं देने वाली हूँ। देखिए मैंने आपके साथ एक नीमाटोड वाला वीडियो शेयर किया था, जिसमें मेरे कुछ प्लांट्स में नीमाटोड का प्रॉब्लम हो गया था, जो जड़ फूल जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं, प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने मैरीगोल्ड के जो पौधे हैं वो पानी में डिप करके रखे थे, और जिस दिन वीडियो बनाया था ना, देखिए उसी दिन ये रखे थे, और कितने दिन हो गए हैं, इस जो ये पानी है इसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं है, और सारा का सारा जो मैटर मैंने डाला था आप देख रहे होंगे डिकम्पोज्ड हो गया है। तो बस आज तो टाइम नहीं है, मैं कल इवनिंग में इसको सारे 10 गुने पानी में, जैसे ये मेरे 5 लीटर का बकेट है, इसको मैं 10 गुने पानी में मिलाकर सारे प्लांट्स को दूंगी, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता। देखिए नेचुरल चीज़ कोई भी नुकसान नहीं करती है।
तो आपके पास अगर बहुत सारे गेंदे के पौधे उगे हुए हैं तो आप उनको काट काट के छोटी छोटी कटिंग्स लगा लिए, और जो बाकी का मटेरियल बचे उसको पानी में डिप करके आप अपने नीमाटोड का इलाज कर सकते हैं फ्री में। एंड देखिए ये भीग रहा है, ये मैंने अभी डिप किए हैं, केले के छिलके हैं, कुछ नीचे मैंगो के पील्स हैं, तो आम के छिलके हैं। ये सारा बकेट में भर के अभी मैं एक दिन का और डालूंगी, और फिर इसको भी मैं, क्योंकि मेरे पास डिकम्पोजर है, मैं 15 दिन के लिए भिगो कर रख देती हूँ और 15 दिन बाद इसको डाल दूंगी। कीड़े नहीं पड़ते हैं, स्मेल भी सिर्फ जो फर्मेंटेशन वाली आती है वो वाली आती है, गंदी वाली स्मेल वाला कोई भी पदार्थ आप अपने पौधों को मत दीजिए। वैसे ही प्लांट को भी कोई स्मेल वाली चीज़ पसंद नहीं आती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे वैसे ही रेस्पॉन्ड करेंगे। जैसे आपको खुशबू, किसी खुशबू वाली चीज़ से अच्छा लगता है, वैसे ही प्लांट्स को लगता है। अब देखिए एक और चीज़ लास्ट में मेंशन कर दे रही हूँ, ये मेरा एक कार्डबोर्ड था जो 2 साल पहले मैंने पॉलीथीन लगाकर बनाया था। अभी देखिए हालत इसकी ख़राब हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कार्डबोर्ड एज इट इज़ है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि पॉलीबैग बहुत मजबूत था। पौधों ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, पूरी गर्मी इन्होंने फुल धूप सही है, लेकिन अभी ये पूरा ख़राब हो चुका है और मैंने इसकी कटिंग लगा दी है क्योंकि इसकी लंबी लंबी स्टेम हो गई हैं और पूरी की पूरी पत्तियाँ नीचे से सूख चुकी हैं। और आप विश्वास करेंगे ये रिवर्स एंड के अंदर लगा हुआ है जिसने बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किया है। तो पौधा सिर्फ आपका भाव देखता है, अटेंशन देखता है, आप किसी भी तरीके के पॉट में लगा दीजिए सब जगह रेस्पॉन्ड करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, मैं हर बार आपको शेयर करती हूँ क्योंकि मैं जिस मोटिव से वीडियोस बना रही हूँ वो पूरा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ आप लोग बिल्कुल भी उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो मुझे चाहिए, क्योंकि शेयरिंग मैं ही करती हूँ अपने वीडियोस की, बाकी लोग नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग को कैसे तरह का कंटेंट चाहिए, क्या आप देखना चाहते हैं, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। एंड खैर छोड़िए उस बात को, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप जिस तरह की एनर्जी की चीज़ डालेंगे पौधों में तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ आपकी भी है। तो अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ से ये सामान लेकर आइए, इनका खाद बनाइए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, जो मर्जी आए वो बनाइए और प्लांट्स को दीजिए, फिर आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखिए। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, एक्शन का रिएक्शन ज़रूर मिलेगा, आप देकर देखिए इन पॉजिटिव चीज़ों को एंड फिर उसके बाद रिजल्ट्स देखिए आपके पौधों पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू।